चैनल पर सभी को नमस्कार। आज मैंने पुराने लेगिंग से ये डोरमेट बनाया है। देखो कितना प्यारा सा और कितना सुंदर सा डोरमेट बना है और कितना अच्छा है। देखो ये बैक तरफ से भी देखो, और ये मैंने ब्लैक से ही इसका बॉर्डर बना दिया चारों तरफ से, एक सुंदर लगेगा। तो देखो कितना अच्छा है, आप कैसे भी डालो इसको, गेट के आगे, बाथरूम में, गेट के दोनों तरफ से डाल सकते हो इसको। यहाँ से भी ऐसे ही लगता है और यहाँ से भी ऐसे ही लगता है, दोनों तरफ से एक सा लगता है। अरे इतना बहुत प्यारा, बिल्कुल जल्दी बन जाता है। ये मैंने क्रोशिया से बनाया। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करना। धन्यवाद। वीडियो शुरू करते हैं। डोर कट कर लिया है, दो लेगिंग्स, एक ब्लैक की और एक ही, इससे कट किया है मैंने ये डोरी। अभी हम आपको बनाना बताएंगे कैसे बनाएंगे। देखो ऐसे किट, अभी हम इसको एक नोट लगाएंगे। नोट लगा, ये मेरा क्रोशिया से 8 नंबर का मोटा। अभी हम इसको ऐसे डालेंगे और इसे ऐसे बनाएंगे। ऐसे फर्स्ट में इसकी चेन बनाएंगे, ऐसे लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से बना सकते हो। मैं ये आपको छोटा बना के दिखा रही हूँ, जो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। देखो आप अपने हिसाब से कितना भी बड़ा कर लो इसको। अभी हम फर्स्ट बार इसको कैसे करेंगे, ऐसे डबल ऊपर से लेंगे और ऐसे इसके चेन बनाएंगे, इसके अंदर डालेंगे इस फर्स्ट चेन में। फिर इसको हम एक बार, ये दो बार, फिर ये 3 बार हम ऐसे इसको बनाएंगे। फिर इसके ऊपर से चेन लेंगे, फिर आगे वाले चेन में इसको ड्रॉ करेंगे ऐसे, एक एक बार लिया यहाँ से, आपको बॉर्डर बनाना है तो आप ऐसे बॉर्डर बना सकते हो। पहली दो सिलाई का फिर इसको ऐसे ड्रॉ करना है इसी के अंदर, एक फिर आगे ऐसे, ऐसे बंदा जाना है। ये लास्ट आए हैं, अभी देखो ये ऐसे बन गए फर्स्ट सिलाई में। अभी हम बैक की तरफ ऐसे करेंगे इसको। फर्स्ट ऐसे चेन बनाए, जो हमारी ये चेन है इसी के अंदर हम इसको ऐसे सिंगल बिना चेन के ऐसे ड्रॉ करते जाएंगे पूरी लाइन को, ऐसे 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 पूरा सिंगल सिंगल। ऐसे सिंगल ड्रॉ करेंगे, देखो
अब ये हो गया हमारी लाइन कंप्लीट। अभी हम इसमें ब्लैक लगाएंगे, तो ये मेरी ब्लैक रस्सी हम इसको यहाँ से ज्वाइंट कर लेंगे। देखो ऐसे ऐसे लिया इसका नीचे से, हम इसको ऐसे बनाएंगे, इसको ऐसे टाइट कर देंगे, यही छोड़ देंगे इसको। फिर हम इसको एक चैन, दो चैन बना के हम इसको यहाँ डालेंगे ऐसे करके डबल चैन से, एक बार दो बार और ये तीन बार बना दी। फिर आके हम इसको ऐसे इसके अंदर डाल लेंगे, इसके अंदर एक दो और ये हमारी तीन। देखो ये हमने यहाँ नहीं डालना है, इसके अंदर डाल, इसके नीचे यहाँ से ये लाइन हमारी ऐसे इसके अंदर दबती हुई जाएगी। फिर हम ऐसे करेंगे, फिर इसके अंदर यहाँ से एक बार, ये दो बार और ये तीन बार, फिर आगे इसी नीचा से यहाँ से निकालना है, एक दो और ये तीन ऐसे। फिर ये उस ऊपर से लिया इसके नीचे, फिर हमने डाला एक बार दो बार तीन बार, यहाँ से हमने फिर ऐसे ही करना है, पूरी लाइन ऐसे कंप्लीट करनी है। एक ये लाइन ऐसे कंप्लीट करेंगे हम यहाँ तक, ये लाइन हमारी कंप्लीट होगी, ये देखो यहाँ तक। अभी हम इसको फिर ऐसे ही ये बिना चैन की इसके अंदर से इसके नीचे से ऐसे बनाएंगे, ऐसे बिना चैन के, अब ये इसको हम फिर इसी लाइन को लाएंगे, तो इसमें हम ड्रॉ करेंगे यहाँ से, ये इसको भी हम साथ लेंगे, अभी हम इससे बनाएंगे पिंक वाला से, इसको यहीं छोड़ देंगे ब्लैक को और फिर ये ले लेंगे पिंक, इसको हम थोड़ा टाइट खींच देंगे ऐसे। और अभी हम एक चैन दो चैन बना के और इसी में ड्रॉ करेंगे इसमें, एक बार दो और ये तीन। फिर आगे हमने इसी के बीच में जैसे ये हमारा इस ब्लैक पे नहीं आएगा, इस पे येलो पिंक पे पिंक आता रहेगा। देखो एक बार ये दो तीन,
आगे फिर यही इस पे तीन ऐसे लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। देखो जो ये है इसी के ऊपर ये आएगी और अगर ब्लैक आएगी फिर इसी पे आएगी, इसका ध्यान रखना है बस। इस पे ब्लैक और ये पिंक पे पिंक आएगी। अब ये लाइन ऐसी कंप्लीट होगी, अब देखो ये लाइन कंप्लीट होगी फिर इसी में ही बिना चेन के। एक बार ये चेन बना के तीन तीन बनाना पड़ता है और एक बार बिल्कुल सिंगल लाइन ले जानी है ऐसे बिना चेन। इसी में ड्रॉ करें इसके नीचे से, ये ऊपर से कहीं नहीं ले जाती है, डिजाइन ऐसे बनता है कि इसी के नीचे ही ले आना पड़ता है। यहाँ से नीचे से ड्रॉ करी और ये ऐसे बस ऐसे देखो ये ऐसे बन गए। अभी ये ब्लैक लगेगा, ऐसे हमने लगाने हैं एक बार ब्लैक एक बार ये, ऐसे डिजाइन हमारा बनता जाएगा। इतना प्यारा सा और सुंदर सा ऐसे बनाना है आपको।